नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रुपये मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड का फरवरी वायदा आज जो ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, वो भी 6400 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल जो 6500 का हाईलत लगा था आज देख रहे हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है, आज भी 6400 के ऊपर ही है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह कैसे सीड का वायदा बाजार 6500 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, कैसेट सीड का वायदा जो है एक्सपेक्टेड तो है कि 6500 के ऊपर जा सकता है। देखिए, लेकिन अभी आज जो है सभी बाजार जो है थोड़ा करेक्शन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बजट के बाद एक बार फिर से निराशा से किसानों को हाथ लगी है, जिसकी वजह से बाजारों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वैसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला है, और उसकी वजह से बाजार आज थोड़े सुस्ती के साथ गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैसेट की अगर बात करें तो 6500 तक ऊपर एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आज इंट्राडे में भी ये लेवल देखने को मिले। तेजी बनी हुई है और मांग भी निकल रही है इन स्तरों पर, तो एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में 6420 से लेकर 6500 तक की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये जरूर जी बात करेंगे बिनौला कल की, तो बिनौला कल देख रहे हैं कि आज धीरे धीरे 3200 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में बिनौला कल में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? इंट्राडे में भी नौला खल आज तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, नीचे में 3180 तो ऊपर में एक बार 3240 3260 मैक्सिमम एक बार अपसाइड आज इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है। करेक्शन के बाद एक बार फिर से खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है और ये मुझे लगता है कि एक बार 3240 तक ऊपर जा सकता है आज इंट्राडे में। जी, ये जी रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देखने की आज करेक्शन बनती नजर आ रही है, चाहे जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, तीनों ही मसाले NCDX पर नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तीनों ही कहीं ना कहीं अब लुढ़कते नजर आ रहे हैं। जो जीरा 20,000 के करीब जाता हुआ नजर आया था, 19,950 का हाई लगाया था, अब वही जीरा 19,100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। धनिया भी 9,900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 10,000 के नीचे लुढ़क चुका है, और हल्दी भी देख रहे हैं 9,800 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह मसालों में ऐसा ही नरमी वाला रुझान बना रहेगा? देखिए, मसालों में लगातार तेजी के बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम देख रहे हैं, जिसके चलते सभी मसालों में गिरावट आई है। जीरा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20,000 के ऊपर निकल सकता है, लेकिन 20,000 भी टच नहीं हो पाया और वहीं से डाउनसाइड का ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पर भी ना एक 18,800 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ टेक्निकली दिखाई दे रहा है, 18,800 तक एक बार हो सकता है लुढ़क जाए मार्केट, वहां से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने तो अगेन वापिस तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, अदरवाइज कंसोलिडेट हो जाएगा मार्केट और इसी रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई देगा। सेम एज इट इज हल्दी में भी 9,800 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरावट बढ़ सकती है, और इनफैक्ट आज तो हमने 9,800 के भी नीचे जाते हुए देखा इसको, लेकिन वहां से अगेन बाइंग आया है और मार्केट एक बार सस्टेन कर रहा है। हो सकता है आज इंट्राडे में हल्दी रिकवर कर जाए और अगेन 10,000 तक पहुंचती हुई दिखाई दे। और बात करें अगर धनिया की, तो धनिया जो है धनिया भी ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़क चुका है, 10,000 के नीचे लुढ़कने के बाद इसका भी 9,800 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 9,800 के आसपास से मार्केट घूम गया तो वापिस से तेजी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आज इंट्राडे में करेक्शन बढ़ सकती है धनिया के अंदर, 9,800 के आसपास एक बार मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यही से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं कि जैसे कल आपने बताया था कि ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से करेक्शन गहरा सकती है, ठीक वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं। ग्वार गम का फरवरी वायदा देख रहे हैं कि 11,800 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जो ग्वार सीड है वो 6,300 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी करेक्शन और ज्यादा गहराएगी? ग्वार गम और ग्वार सीड में जो गिरावट है कहाँ तक जा सकती है नीचे में? देखिए, अगर यहाँ से करेक्शन बढ़ती है तो गिरावट जो ग्वार की है, गम की अगर बात करें तो 10,000 तक भी लुढ़क सकता है मार्केट, क्योंकि लगातार सस्टेन हो रहा था और अब वहां से फिसलना शुरू किया है। अगर बाउंस बैक आया तो यहीं से आज ही थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद मार्केट बाउंस बैक दिखा सकता है, अदरवाइज यहाँ से अगर फिर लुढ़का तो नीचे में 10,000 तक की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार आ सकती है। वही अगर सीड की बात करें तो सीड भी 6,000 तक की गिरावट की तरफ जा सकता है, अगर करेक्शन हैवी हुई तो मार्केट में इतना डाउनफॉल
जो है हम देख सकते हैं। अदरवाइज आज हल्की फुल्की करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि अगर संभल गया मार्केट तो कल से वापस से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इन लेवल इस लेवल्स के ऊपर ग्वार की मांग निकलना थोड़ा सा वो दिख रहा है, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर अगर मांग नहीं निकली तो बाजार वापस से सुस्ती के साथ और एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पर थोड़ी करेक्शन के बाद डिमांड पिकअप हुई तो वापस से ये नई तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज की करेक्शन के बाद अगर मार्केट संभल गया तो कल से वापस से तेजी की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में सोयाबीन में जोरदार बढ़त बनती नजर आ रही है। यूएस सोयाबीन का वायदा बाजार आज $1500 के ऊपर निकल चुका है, $1531 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं यूएस सोयाबीन में लगातार एक के बाद एक लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, और ब्राजील और अर्जेंटीना में जो उत्पादन अनुमान है उसमें लगातार कटौती की जा रही है, वैश्विक सप्लाई सोयाबीन की कम रहने का अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर घरेलू बाजार पर कब तक देखने को मिल पाएगा? देखिए घरेलू बाजार में भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेशी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं और उसपे जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है उसका असर डेफिनेटली हमारे भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम्स नहीं है और वायदा में आप बैन लगने के चलते जो कीमतें हैं वो काफी सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलकर बाजारों में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इसी लेवल पर कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शंस हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो एडिबल ऑयल पैक में तेजी जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अदरवाइज जिस तरीके का हम सिनेरियो देख रहे हैं जो फंडामेंटल है उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट अब तक उड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी बाजारों में उतनी तेजी आई नहीं है और इसीलिए बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड है कि बाजार यहाँ से उठेंगे और उम्मीद है कि सोयाबीन एक बार वापिस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर ये अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो बजट में अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि कपड़े सस्ते हो सकते हैं, इस बार के बजट में ऐसी घोषणा की गई है, तो आपको क्या लगता है इसका असर क्या कहीं ना कहीं कॉटन के बाजार पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी देखिए इसका एनालिसिस होना बाकी है कि किस किस चीज के ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन का निकल कर आया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन में तेजी बनी रहेगी। कॉटन में अभी तो एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो और ज्यादा इसमें तेजी ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी मार्केट बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखिए वायदा के अंदर भी बाजार लगातार 37,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अब यहाँ से जो लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर 38,000 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 40,000 तक की भी तेजी हम वायदा के अंदर कॉटन के अंदर आते हुए देख सकते हैं। तो यानी डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए कॉटन का जो सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन करेक्शन कभी भी आ सकती है, इसको ध्यान में रखकर चले। जो तेजी आ रही है उस तेजी में बिल्कुल लिक्विडेट करते चले, फ्रेश बाइंग इस लेवल पर करने से बचना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो बजट में मेंथा ऑयल पर भी घोषणा की गई है कि कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी, कमी की जाएगी कस्टम ड्यूटी के अंदर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या इसका इम्पैक्ट मेंथा में तेजी की ओर देखा जाएगा वायदा में या गिरावट की ओर? देखिए अगर कस्टम ड्यूटी घटाई जाती है तो कीमतों पर जरूर इसका इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं और प्राइजेस के अंदर एक बूस्टअप आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जो बाजार है वो काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमतें जो है एक रेंज में फंस कर रह गई है। लगातार हमने देखा मेंथा जो है 1000 रुपए के ऊपर जाता है लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, 2-3 दिन सस्टेन करता है उसके बाद से फिर करेक्शन की तरफ जाता है और अभी भी वही हाल है। अभी 970 के आसपास हम इसको ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, तो अभी फिलहाल मेंथा की जो कीमतें हैं वो इसी रेंज में दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे में 960 तक बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप आज के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है?
देखिए आज इंट्राडे में की अगर बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर बिनोला खल अभी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि बिनोला खल ऊपर जा सकता है। 3220 से 3240 की तेजी बिनोला खल के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के लिए अगर देखा जाए तो बिनोला खल के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बिनौला खल में इंट्राडे के लिए ख़रीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाज़ार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेज़ी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।